पहले तो गवर्नर साहब जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी, और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहां रहेंगे, हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोस। स्टेट शुड आना चाहिए, एंड नॉट ट्रंकेट स्टेट, फुल स्टेट शुड। व्हाई नॉट? हाउ डज इट मैटर इफ वी ऑल वर्क फॉर द सेम थिंग, फॉर इंप्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ पीपल इन द स्टेट, रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, रिमूविंग ऑल द डिस्ट्रेसेस दैट हैव अकर्ड इन दीज 10 ईयर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, media, first thing should have the right to say what is true and what is not true. My problem will be, how do we make a strong government? How do we fulfill the agenda that we have put for the election? वो वक्त बताएगा आपको क्यों इतनी जल्दी छोड़ रहा है। बनेगा वक्त मंत्री, कुर्सी पे बैठे आप उसे कल बात करेंगे। सर आपको देखिए, अगर मेरे पास तिलिस्मी चिराग होता तो मैं आपको बता देता क्या होगा, मगर मेरे पास वो अल्लाह ने वो चिराग नहीं दिया है। जो होगा वो आपके सामने होगा। मुझे उनके इंटेंशंस पता है, उनके इंटेंशंस पहले से ही पता थे, मगर उनके इंटेंशंस कामयाब नहीं होंगे। वो आसमान से भी छलांग मारी। मैंने पहले आपसे क्लियर कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। जो जाएगा उसका हशर वो होगा, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं भीख मांगने, अगर वो ये समझते हैं कि भैया इससे हम लोग रियासत को मजबूत कर सकते, यहाँ की मुश्किलों को दूर कर सकते, तो बिस्मिल्ला। अगर ये उनका होना चाहिए कि वो चाहते हैं इस रियासत को आगे बढ़ाना, नफरत से निकालना जो सारे हिंदुस्तान में फैली, the bigger cause is the main thing. What are we fighting for? For the good of the people. What are they fighting? For good of the people. So let's work together and try to remove all the tragedies that have occurred in the state for the last 10 years. वो तो कहते हैं जी हरियाणा भी हमारे पास है, वो तो कहते हैं सारा कुछ हमारे पास है। अगर उनके पास सब कुछ है तो बैसाखी पे क्यों चल रहे हैं? ये बैसाखियों पे चलने वाले यही बातें करते हैं। जिस दिन वो बैसाखी गिर जाएगी, ये भी गिर जाएगी, उसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए।